जीवन पवित्र हो, इसमें पवित्रता का क्या स्वरूप है और जीवन की पवित्रता के लिए किन बातों पर जीवन में अधिक जोर दिया जाए। पवित्रता जो है ये इसमें है कि अपना मन जो है वो नियंत्रण में हो, हमारे अनुसार मन चले, मन के अनुसार हम न चले। ऐसा लगता है जैसे कुएं में ही आग पड़ गई हो, आदमी अपने मन को ही सबसे ऊपर मानता है, उसमें न भगवान के दिए हुए को स्वीकार करता है, न शास्त्र की आज्ञा को स्वीकार करता है, न गुरु की आज्ञा को स्वीकार करता है। और जो लोग ऐसा उपदेश कर देते हैं कि मन के अनुसार चलो, ऐसा भी कर देते हैं और उनका उपदेश अपने को बहुत प्यारा लगने लगता है, क्योंकि मन को उसमें कोई बंधन कोई मर्यादा नहीं रहती है। इसलिए पवित्रता को आप यूं देखो कि जो मना किया हुआ काम है उसको आप क्यों करते हैं, तो वासना के दिल से ही तो करते हैं, तो आप तो वासनानुसारी कर्म करते हैं, वासनानुसारी काम नहीं करते हैं। तो भोग की पवित्रता से मन पवित्र होता है, आहार तो इससे क्या होगा कि आप आँख से वही चीज देखिए जो देखना चाहिए, आप गुरुजी भी पढ़ जाए उससे नहीं बात है, पर जान बूझ के परस्त्री पर धन पर आपकी नजर न पड़े, कान से वैसे ही शब्द सुनिए जो आपके मन में संसार की वासना को जगावे, त्वचा से वही छूए, जीभ से वही खाइए, नाक से वही सूंघिए और वही बोलिए वही कीजिए, भोग की शुद्धि से मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है। और कर्म की शुद्धि से आप वही जाइए, जब चन्नू खाने में जाएंगे, जुगा घर में जाएंगे, वेश्या घर में पांव से चल के जाएंगे, तो आपका मन शुद्ध जब अकर्तव्य हाथ से जान बूझ कर करेंगे तब आपका मन शुद्ध नहीं होगा, अब अकर्तव्य बोलेंगे तब आपका मन शुद्ध नहीं होगा। तो भोग की शुद्धि, कर्म की शुद्धि और एक भाव की शुद्धि होती है, जहां जहां मन जाए वहां वहां नारायण को देखिए, जो गिन कर्म कुर्वन्ति संगत तत्वात्म शुद्ध है। साधक जो कर्म करता है उसका लक्ष्य होता है अंतकरण की शुद्धि। आप ये देखिए कि बैठता कहाँ है, आप बैठते कहाँ है। एक महात्मा थे वृंदावन में, वो कहते थे कि हमारे पास आकर जब कोई बोलने लगता है तो मालूम पड़ जाता है कि ये कहाँ बैठकर बोल रहा है। कोई महात्मा खटिक के घर में बैठ के उपदेश करते हैं, कोई महात्मा चांदाल के घर में बैठ के उपदेश करते हैं, और कोई महात्मा भगवान के पास बैठ करके उपदेश करते हैं। तो शब्दों के द्वारा भी एक सुगंध निकलती है कि ये कहाँ बैठ करके, चमड़े के गोदाम में बैठ करके बोल रहे हैं, कहीं भगवान के मंदिर में जहां से तुलसी बेल पत्र की गंध आती है वहां बैठ करके बोल रहे हैं। तो आदमी के चलने में, बोलने में, करने में, हंसने में उसका भाव प्रकट हो जाता है। तो आप कहां बैठ कर बोलते हैं, भगवान के चरणारविंद का दर्शन करते हुए। देखो एक सज्जन कल रात छोड़ के वृंदावन आए, तो बस गधे पर जब ईट लग के आती तो दो पहाड़ी में खड़े होकर उसको गिनते रहते, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, उसका पैसा चुकाने के लिए। एक सज्जन जिंदगी भर में वृंदावन में रहते हैं तो नाली की सफाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो,
उसी के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं और आंदोलन करते हैं। कोई सज्जन है तो उनका मन कसाई के घर में ज्यादा रहता है और कोई सज्जन है तो कौन साधु कैसे रहता है जिसकी एक फहरिस्त बनाते रहते हैं। तो असल में हम कहाँ अपनी स्थिति रखते हैं वो ध्यान देने योग्य है। यदि हमारी दृष्टि भगवान पर रहे तो मन अपने आप ही पवित्र हो जाए। पवित्र का चिंतन करने से पवित्रता। हमको एक साधु ने बचपन में बताया था कि जीवन में दो चीज धारण करना, एक तो किसी चीज को अपनी मत समझना, अपनी ओर से अपने को दरिद्र ही रखना। प्यार कहो, वैराग्य कहो, दरिद्रता कहो, संग्रही परिग्रही अपने को मत बनाना। और दूसरी बात उसने ये कही थी कि अपने को पवित्र रखना। पवित्रता और दरिद्रता ये जीवन की बहुत कीमती चीज है और इसी से आपका तन का जीवन, मन का जीवन, वचन का जीवन, विचार का जीवन और ज्ञान का जीवन आपका स्वच्छ निर्मल